बड़ी खबर तमाम जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है जो जम्मू। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जितने भी आप जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आप स्टूडियो को देख रहे हो, तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो है एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ चुकी है। ये खबर जानना आपको बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है आगे आप इस रिपोर्ट में जान लीजिएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिकॉर्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है। सबसे पहले जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए पहले एक नजर आप इस अपडेट पर डालिए, क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर हम आगे बात करेंगे। बड़ी खबर तमाम जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है जो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो है अभी जानकारी जो है वो दी गई है। जी हाँ, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो आपके लिए जानकारी जानना जो है वो बहुत जरूरी है। जी हाँ, आपको बताते चले, फिलहाल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है ये जो है वो निर्देश दिए गए हैं कि 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे का जो प्रोग्राम होगा वहां पर तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वहां पर अवेलेबल होंगे एज अ ऑफिशियल ड्यूटी। जी हाँ, फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से तमाम जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, खास अगर हम जम्मू की बात करें तो वहां पर तमाम जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं उनको जो है 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे का प्रोग्राम होगा वहां पर उपस्थित होना है एज अ ऑफिशियल ड्यूटी। जी हाँ, आपको बताते चले, जो जानकारी दी गई है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से तमाम गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये कहा गया है कि 26 जनवरी का जो प्रोग्राम होगा, जो फंक्शंस होंगे वहां पर उनको जो है अटेंड करना है एज अ ऑफिशियल ड्यूटी पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। आपको बता दें, जो मेन फंक्शन होगा रिपब्लिक डे का वो मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में होगा, जहां पर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी जो है वो उपस्थित होंगे। और जो मेन फंक्शन जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में होगा वहां पर एलजी मनोज सिन्हा खुद जो है वहां पर उपस्थित होंगे और उनको जो है वो सैल्यूट जो है वो दिया जाएगा। और आपको बता दें, ये भी जानकारी देते चले, तमाम ऑफिसर्स और ऑफिशियल जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के अंदर जो खास जम्मू के अंदर स्टेशन है उनको जो है ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि उनको जो है ये फंक्शन जो है वो अटेंड करना है एज अ ऑफिशियल ड्यूटी। आपको बता दें, ये भी जानकारी देते चले, तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स इसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जो है ये जानकारी दी गई, उनको निर्देश दिए गए हैं कि उनको ये खुद भी वहां पर जो है वो पार्टिसिपेट करना है, खुद भी अटेंड होना है। और इसके साथ साथ जो बाकी उनके सबऑर्डिनेट जो उनके नीचे जूनियर एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको भी ये इंश्योर करना है कि वो भी जो है 26 जनवरी रिपब्लिक डे का जो है वो हिस्सा बने। जी हाँ, कुछ दर्शक अभी जुड़े हैं, आपको बता दें बड़ी खबर है, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से सामने आई, इसमें साफ तौर पर आपको ये बता दें, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये निर्देश दिए गए हैं कि 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे का जो प्रोग्राम होगा उसको जो है तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने एज अ ऑफिशियल ड्यूटी जो है प्रोग्राम को जो है वो अटेंड करना है।